वेलकम टू ज्ञान धारा पीपल टीचर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एंड टुडे अवर टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक वी आर मेजरिंग द पर्सनैलिटी. द क्वेश्चन इज वेदर इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड और नॉट. सो इंटेलिजेंस इज एन एब्स्ट्रैक्शन. लाइक वी कैन नॉट मेजर इट इन द सेम वे एज वी कैन मेजर अ क्लॉथ और टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, बट वी कैन मेजर और असेट द इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी with the help of following test. So intelligence tests are classified into two, individual test or group test. Test of individual is called individual test, as the name said, and the test of group of individual. It's known as group tests. There are two, verbal, where language is used, and performance test or non-verbal test, which are no language. वहाँ पे language के बगैर ही test होता है, जिसमें picture वगैरह होती है, pencil होती है, answer sheet होती है, examiner आपको instruct करता है and you have to write the answers. So let's see. First example is Stanford Binet Scale Individual Verbal Test, Alfred Binet, 1905. उन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की बात करी. उन्होंने एक टेस्ट बनाया जिसके आधार पर उन्होंने कुछ स्कोर्स फॉर्म किए और उन स्कोर्स के आधार पर उन्होंने कहा कि इतने स्कोर वाले व्यक्ति की इतनी मेंटल एबिलिटी होगी. इनका टेस्ट 5 फैक्टर बेस्ड था. कौन कौन से वो 5 फैक्टर्स थे? फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, स्पेशल प्रोसेसिंग और मेमोरी. तो रीजनिंग, मेमोरी, ये मेंटल एबिलिटी के जो टेस्ट आप देखते हो जनरली, वो इन पे ही आधारित हैं, जो आजकल के आईक्यू को जज करने के लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, जो रीजनिंग पार्ट होता है. तो उन्होंने बनाया सबसे पहले और उन्होंने ही ये फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आईक्यू को बताना शुरू किया. पहले ये छोटे बच्चों के लिए था, इस तरह का टेस्ट था. जैसे अगर किसी बच्चे की एज 3 है तो उससे कहते थे टू पॉइंट नोज. अगर बच्चे की एज 7 है तो कहते थे कंप्लीट अनफिनिश्ड पिक्चर, मेज और पिक्चर्स, इस तरीके से डिजाइंस, इस तरीके से उनके टेस्ट के स्ट्रक्चर्स थे, जो बहुत ज्यादा आगे चलकर फेमस हुए और अभी भी बिनेट स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से सामान्य बुद्धि परीक्षण बच्चों का और अब बड़ों का भी किया जाता है. ये एग्जाम्पल है और आप लोग मुझे बताइए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फैन है, ये हैंड फैन है, ये इलेक्ट्रिक बेल है, तो ये देखिए ये हैंड बेल, ये इसका सही आंसर होगा जहां तक मुझे लगता है. तो ये एक तरह का उदाहरण है स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का. द नेक्स्ट इज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं. इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं और इस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट दो तरीके से होते हैं, एक होता है स्केल और दूसरा होता है बैटरी टेस्ट. स्केल में आपको मैं उदाहरण में बता सकती हूँ कि कौन कौन से फेमस स्केल्स हैं, जैसे द पिंटर पैटरसन स्केल, दूसरा है द आर्थर पॉइंट स्केल. बैटरी टेस्ट में सबसे फेमस तो है एलेक्जेंडर बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, और इसका इंडिया में ही है फेमस भाटियास बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट. सो दीज बैटरीज एंड स्केल्स हैव बीन क्रिएटेड टू जज mental ability of an individual. Non-verbally, performance tests are non-verbal individual test. So ये जो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं हम, ये भाटियाज बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट का है. इनमें 5 कंटेंट्स हैं. पहला है कोज ब्लॉक डिजाइन, दूसरा है एलेक्जेंडर का पास
अलोंग टेस्ट, तीसरा है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, चौथा है मेमोरी टेस्ट एंड तीसरा है पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट. द फर्स्ट थ्री हैव बीन बोरोड बाय फॉरेनर्स ऑफ कोर्स एंड द लास्ट टू हैव बीन द लास्ट थ्री इन फैक्ट पैटर्न ड्राइंग मेमोरी फर्स्ट टू हैव बीन बोरोड एंड पैटर्न ड्राइंग मेमोरी टेस्ट एंड पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय मिस्टर भाटिया इटसेल्फ. नाउ ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैव बीन टेस्टेड हियर आर टेस्टेड इन दिस दिस काइंड ऑफ टेस्ट एंड वर्बल मीन्स देयर इज लैंग्वेज इज यूज्ड. द एग्जांपल इज आर्मी एल्फा टेस्ट व्हिच इज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, सी आई ई वर्बल टेस्ट. सो 1, 2 एंड 3 दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट. देखिए उदाहरण के तौर पे आपको जैसे एक 6 बल्ब्स आपको दे दिए गए हैं, इसमें से एक बल्ब खराब है जो आपको ढूंढना है कि, लेकिन क्योंकि इसमें से 3 बल्ब जो हैं ये जल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्हीं 3 बल्ब में से कोई एक बल्ब खराब है एंड आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बल्ब खराब है आपको चेक करके. सो इस तरीके के वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट करे जाते हैं. ये है ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट, इसका भी एग्जांपल है जैसे आर्मी बीटा टेस्ट. ये नॉन वर्बल टेस्ट था जो कि सोल्जर्स के लिए किया गया था जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. ऐसे ही दूसरा टेस्ट है शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट जो कि 12 से 13 साल के बच्चों के लिए यूज किया जाता है उनके आईक्यू को जज करने के लिए. ऐसे ही एक है सी डॉट आई डॉट ई नॉन वर्बल टेस्ट जो बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भारत में इस्तेमाल किया जाता है. वहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है, यहाँ पे देखिए नो लैंग्वेज इज यूज, कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती है और केवल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और पेपर पेपर और पेंसिल का प्रयोग करके टेस्ट देना होता है. वहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको प्रॉब्लम फिगर दी है, आपको इसका जो भी आपको लग रहा हो करेक्ट आंसर उस पर सर्कल बताना होता है. यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस बताता रहता है, इंस्ट्रक्शंस देता रहता है एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स. नाउ नेक्स्ट इज वेशलर बिलीव इंटेलिजेंस स्केल. इन्होंने दो वर्बल में इनके 6 कंटेंट थे, परफॉर्मेंस में इनके 5 कंटेंट्स थे जिनके पर चेक करके इंसान को स्कोर करना होता है. और फिर इनके पास इनकी मैट्रिक्स थी अपनी कि इतने स्कोर पे इतना आईक्यू लेवल होगा उसका, इस तरीके से बताइए. देखिए नॉन वर्बल के लिए ये वाले टेस्ट थे और वर्बल के लिए ये टेस्ट है. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड आईक्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे. सो आईक्यू स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस कोटेंट एंड द इंटेलिजेंस कोटेंट जो आपने यहाँ पे बाहर मैं बात कर रही हूँ, कोटेंट में स्पेलिंग में TIENT है. मैं एक बार और लिख देती हूँ, QUOTIENT इंटेलिजेंट कोटेंट. सो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है आप देखिए, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज इंटू 100. कई फॉर्मूलों में आप फिजिकल एज की जगह पे क्रोनोलॉजिकल एज देखेंगे, दैट इज द सेम थिंग. मतलब हमारी जो रियल एज होती है वो, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी एज तो बढ़ती जाती है, मान लो हम 20 इयर्स के हैं पर हम सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चंस अप टू 11 इयर्स. सो हमारी मेंटल एज कितनी है? 11 इयर्स. तो हम आईक्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे अपना? 11/20 × 100. तो जो हमारा स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना आईक्यू लेवल जज कर सकते हैं, हमारी एज और हम किस लेवल का मेंटल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसमें हमेशा अंतर होता है. और कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कर पाते हैं अपनी एज के बराबर, तो उनका आईक्यू बहुत अच्छा माना जाता है.
क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू, ये देखिए यहाँ पे दी हुई है। मेंसा एक टेस्ट होता है जिसमें आईक्यू सबसे हाई स्कोर करते हैं। अभी तक आइंस्टीन का आईक्यू ही सबसे अच्छा माना गया है। और भी अभी बहुत सारे बच्चे में न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहते होंगे कि जिन्होंने मेंसा में बहुत अच्छा स्कोर किया। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी वर्ल्ड में हैं। इसके अलावा इंडिया में भी कई सारे टेस्ट होते हैं जो कि जैसे सामान्य बुद्धि परीक्षा। और एक टेस्ट होता है बुद्धि परीक्षा। अनुशीलन एक टेस्ट होता है। हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि स्टैनफोर्ड विनय का ही हिंदी वर्जन था या इंडियन वर्जन था, जो कि डॉक्टर सी एच राइज ने दिया था। तो इंडिया में भी ये सारे टेस्ट जो भी हमने फॉरनर अभी देखे उनका इंडियन वर्जन भी अवेलेबल है। लिमिटेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। सो लिमिटेशन से पहले मैं मेरिट्स बता दूं। मेरिट्स ये है कि यंग किड्स जिन्हें अभी रीड एंड राइटिंग नहीं आती, इलिटरेट जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अनप्रिविलेज्ड, इन लोगों की मेंटल एबिलिटी जज करने के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट, खासकर जो परफॉर्मेंस टेस्ट है जिसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वो काफी हेल्पफुल होते हैं, है ना। लेकिन इनकी डिमेरिट्स भी हैं, या लिमिटेशंस कह लीजिए चाहे डिमेरिट्स कह लीजिए, डिमेरिट्स भी हैं। क्या क्या है? सबसे पहले मनी, ये टेस्ट काफी कॉस्टली होते हैं। दूसरा टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी काफी हद तक डिपेंड करती है कौन ये टेस्ट ले रहा है उसके ऊपर, एग्जामिनर पे बेसिकली। इसके अलावा जो वर्बल मोड है स्पेशली हमारे स्कूल्स का, वहां पे परफॉर्मेंस टेस्ट की लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि स्कूल जो बेसिकली हर चीज वर्बली सिखाता है। दूसरा आईक्यू तो चेक कर सकते हैं, बट ईक्यू और क्रिएटिविटी पोटेंट, ये दोनों चीजें हम चेक नहीं कर पाते हैं।